अमनौर थाना क्षेत्र के अमनौर बजरंग चौक अवस्थित स्नेहा ज्वेलर्स दुकान से दो महिला ने ग्राहक बनकर दो दर्जन जोड़ी सोने के गहने लेकर आंख में धूल झोंककर दोनों महिलाएं फरार हो गई। घटना शुक्रवार की 3 बजे की है। अमनौर हरनारायण निवासी जितेंद्र साह की पत्नी रंजना देवी दुकान चला रही थी। दुकान पर महिला को देख दो महिलाएं ग्राहक बनकर आई और सोने के गहने खरीदने आई और गहने दिखाने को बोली। एक मोल भाव में उलझाकर रखे रही और दूसरी ने गहनों से भरा डिब्बा अचानक चुरा लिया। इसके बाद गहने नहीं लेने का बहाना बनाकर 9:00-2:11 हो गई। दुकान चला रही महिला ने जब गहनों का मिलान किया तो इनके होश उड़ गए। महिला ने शोर मचाया। आसपास के दर्जनों लोगों ने पुलिस को सूचित किया और महिला को बाजार में ढूंढने लगे, लेकिन महिलाएं कहीं नजर नहीं आई। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि डिब्बे में लगभग 15 से 20 कान के सोने के झल्ले थे जिनकी कीमत 60 से 70 हजार रुपए बताई जा रही है। दुकानदार ने चोरी के मामले में 2 अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध थाने को लिखी शिकायत की है। थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। डेली टीवी के लिए अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। कीमत तो 20 ग्राम रोला, 35 ग्राम बाकी 35 रोला का 35 जोड़ा, लेकिन अब उनसे लेके गई है। हम लोग तो यहाँ का मजबूर लोग उनसे लेके गई है। ठीक है, बंदाज होगा ना भैया कि हाँ 30 ग्राम है या कितना धरा ना, दाम धरा ना जी? अरे वही होगा, 70 हजार का होगा, 70 हजार का होगा।